नमस्कार नमस्कार साथियों, आज से अपन जो है कि अपना जो रिट का एग्ज़ाम है, रिट प्री एग्ज़ाम जो 19 जनवरी को होना प्रस्तावित है, उसका जो मैथ का सिलेबस है, उस मैथ के सिलेबस को क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। उसमें सबसे पहले अपन जो यूनिट नंबर एक है, उस यूनिट नंबर एक को क्या करेंगे, आज से शुरू करेंगे। यूनिट नंबर एक का जो अपने पास में पहला जो टॉपिक है वो अपने पास में है वर्ग एवं वर्गमूल, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। सही है, तो इस टॉपिक को शुरू करने से पहले सबसे पहले हम बात करें किसी भी संख्या का वर्ग कैसे निकालते हैं और उसका वर्गमूल कैसे निकालते हैं, स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट अपन कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले तो 1 से 25 तक की जो संख्याएं हैं, 1 से 25 तक के जो नंबर है, प्रत्येक का आपको क्या होना चाहिए, स्क्वायर याद होना चाहिए। जैसे 1 का स्क्वायर क्या होता है, 2 का स्क्वायर क्या होता है, 3 का स्क्वायर क्या होता है, 4 का स्क्वायर क्या होता है। सही है, 1 से लेकर 25 तक के स्क्वायर आपको याद होंगे। तो फिर आगे तो अपन क्या करेंगे, उसी के बेस्ट पे आगे के जो स्क्वायर है, जिन संख्याओं के स्क्वायर वर्ग है, वो अपन क्या कर लेंगे, ज्ञात कर लेंगे। सही है, तो सबसे पहले 1 से 25 तक की जो संख्याएं हैं उनके अपने को स्क्वायर ज्ञात करने हैं। तो सबसे पहले हम बात करें अपने पास में एक एक का स्क्वायर, ये कितना होता है, ये अपने पास में होता है एक। सही है, इसके बाद में अपने पास में 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर ये अपने पास में होता है 4। ये अपने पास में 3 का स्क्वायर, ये अपने पास में होता है 9। सही है, ऐसे अपने को 25 तक के स्क्वायर याद होने चाहिए। उसी प्रकार से हम बात करें, ये 4 का स्क्वायर, ये अपने पास में होता है 16। 5 का स्क्वायर, ये अपने पास में होता है 25। 6 का स्क्वायर, ये अपने पास में होता है 36। 7 का स्क्वायर, ये अपने पास में होता है 49। वैसे ही अपने पास में 8 का स्क्वायर, ये अपने पास में होता है 64। सही है, आगे हम बात करें 9 का स्क्वायर, ये अपने पास में होता है 81। उसी प्रकार से 10 का स्क्वायर, ये अपने पास में होता है 100। सही है, 1 से 25 तक की संख्याओं के स्क्वायर डायरेक्ट याद होने चाहिए। फिर जो आगे की संख्याएं हैं उनके स्क्वायर अपन क्या कर लेंगे, आसानी से याद कर लेंगे। ये 10 तक के स्क्वायर हो गए। उसके बाद में हम बात करें अपने पास में 11 का स्क्वायर, ये अपने पास में 121। बात करें 12 का स्क्वायर, ये अपने पास में होता है 144। 13 का स्क्वायर, ये अपने पास में होता है 169। 14 का स्क्वायर, ये अपने पास में होता है 196। सही है, वैसे ही हम बात करें 15 का स्क्वायर, ये अपने पास में होता है 225। 16 का स्क्वायर, ये अपने पास में होता है 256। अपने पास में 17 का स्क्वायर, ये होता है 289। 18 का स्क्वायर, ये अपने पास में होता है 324। 19 का स्क्वायर, ये अपने पास में होता है 361। और 20 का स्क्वायर, ये अपने पास में होता है 400। सही है, ऐसे अपने को स्क्वायर याद होने चाहिए। सही है, ये अपने पास में 1 से 10 तक के स्क्वायर, ये अपने पास में 11 से 20 तक के स्क्वायर। आगे हम बात करें 21 का स्क्वायर, ये अपने पास में 21 का स्क्वायर, ये अपने पास में होगा 441। 22 का स्क्वायर, ये अपने पास में होगा 484। उसी प्रकार से अपने पास में 23 का स्क्वायर, ये अपने पास में होगा 529। 529, वैसे ही अपने पास में 24 का स्क्वायर, ये होगा अपने पास में 576। सही है, वैसे ही अपने पास में 25 का स्क्वायर, ये अपने पास में होगा 625। 26 का स्क्वायर, ये अपने पास में होगा 576। सही है, ये अपने पास में हो गए 25 से 26 तक के स्क्वायर। ये स्क्वायर आपको डायरेक्ट याद होने चाहिए। सही है, 1 से लेके जो 25 से 26 तक की संख्याएं हैं उनके स्क्वायर डायरेक्ट याद होंगे, तो जो आगे की संख्याएं हैं उसके स्क्वायर अपन क्या कर लेंगे, फटाफट याद कर लेंगे। सही है, तो सबसे पहले आप इनको अपनी कॉपी में नोट करो,
फिर अपने पास में जो अलग अलग संख्याएं हैं उनके अपन क्या करते हैं, स्क्वायर ज्ञात करके देखते हैं। सही है, स्क्वायर यानी कि उनका वर्ग ज्ञात करके देखते हैं। तो एक से लेकर 25 या 26 तक की जो संख्याएं हैं उनके स्क्वायर आपको डायरेक्ट याद होंगे, तो आगे की संख्याओं का अपन क्या कर लेंगे, स्क्वायर डायरेक्ट ज्ञात कर लेंगे। इनको क्या करो, आप अपनी कॉपी में नोट करो। फिर अपन आगे अपने पास में कुछ संख्याएं हैं उन संख्याओं का क्या करते हैं, स्क्वायर ज्ञात करते हैं। तो इसको क्या करो, नोट करो। आगे आगे अपने पास में ये कुछ संख्याएं हैं, इस संख्याओं का अपने को क्या करना है, स्क्वायर ज्ञात करना है। सही है, तो इन संख्याओं का स्क्वायर ज्ञात करने के लिए अपने पास में एक ट्रिक है, उस ट्रिक का यूज करेंगे और इन सभी संख्याओं का क्या कर देंगे, स्क्वायर ज्ञात कर देंगे। सही है, जैसे अपने पास में है 98 का स्क्वायर, ये अपने को चेक करना है। सही है, तो 98 के आसपास कौन सी संख्या है, ये 100 के नज़दीक है। सही है, ये संख्या 100 के नज़दीक है, 100 में से कितना कम है, ये 100 में से 2 कम है। 98 जो है वो 100 में से 2 कम है, तो यहाँ पे अपने पास में 2 कम यानी कि माइनस का 2। 98 जो है वो 100 के आसपास है, 100 में से कितना कम, 2 कम, तो यहाँ पे लिख दिया माइनस का 2। सही है, तो यहाँ पर जो संख्या लिखेंगे माइनस का 2, इसका स्क्वायर अपने पास में कितना होगा, 2 का स्क्वायर, ये अपने पास में होगा 4, 0, 4। यहाँ पर लिखेंगे अपन 2 अंक, 4 होगा, इसके आगे 0 लगा देंगे तो इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इस संख्या का स्क्वायर ये हो गया अपने पास में 0, 4। सही है, इसके अलावा अपने पास में ये 98 है, इस 98 में से 2 माइनस कर देंगे, 2 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, ये अपने पास में बचेगा 96, 96। ये अपने पास में हो गया 98 का स्क्वायर। सही है, 100 से जितना कम होगा वो अंक यहाँ लिखेंगे, इसका कर देंगे स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 0, 4। सही है, अब ये 98 है, ये माइनस का 2, 98 में से 2 जाएगा कितना बचेगा, 96, 9604। ये होगा अपने पास में 98 का स्क्वायर। सही है, जैसे ही अपने पास में अगला एग्जांपल देख रहा, यह है 109, ये 100 के आसपास है, अब ये 100 से ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है, 9 ज़्यादा है, तो ये अपने पास में 100 से ज़्यादा है 9, तो प्लस 9 कर देंगे यहाँ, प्लस 9। सही है, अब ये प्लस 9 है, इस 9 का स्क्वायर कितना होता है, 81, 2 अंक है इसके स्क्वायर में, तो ये अपने पास में 9 का स्क्वायर 81। सही है, अब ये 109, इसमें यह संख्या जोड़ देंगे इधर जो 100 से अधिक है, 109 प्लस 9 कितना होगा अपने पास में, ये होगा 118। 109 में 9 जोड़ेंगे तो ये अपने पास में बनेगा 118। सही है, तो ये अपने पास में हो जाएगा 109 का स्क्वायर। सही है, आगे हम बात करें 93 का स्क्वायर, ये 100 के नज़दीक है, 100 से कितना कम है, 100 से ये 7 कम है, 7 कम है तो माइनस लगाएंगे, माइनस का 7। सही है, इस माइनस 7 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर कितना होता है, ये होता है 49। सही है, अब ये 7 कम है, इस 93 में से 7 घटाएंगे, 93 माइनस 7 कितना बचेगा, ये बचेगा 86, तो ये अपने पास में 8649, किसका स्क्वायर, 93 का स्क्वायर। सही है, आगे अपने पास में 88 का स्क्वायर अपने को ज्ञात करना है, देखना क्या होगा, ये 100 के नज़दीक है, 100 से कितना कम है, ये 100 से 12 कम है, तो यहाँ पर अपने पास में -12, इस -12 का स्क्वायर कितना होगा, 144 होगा, तो इसका स्क्वायर यहाँ 144। अपने को यहाँ पे 2 अंक रखने हैं। सही है, आगे देखना 88 या माइनस का 12, 88 माइनस 12 कितना होता है, ये अपने पास में होता है 76। लेकिन अपने को यहाँ इस तरफ 2 अंक रखने हैं, यहाँ पे 2 अंक रखने हैं, तो एक अंक को आगे ट्रांसफर कर देंगे तो देखना क्या होगा, ये 4, ये 4, इस एक को आगे भेज देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 6 + 1 = 7, ये 7 और ये अपने पास में 7, 7744, ये अपने पास में होगा 88 का स्क्वायर। सही है, देखना आगे वाला 116 का अपने को स्क्वायर याद करना है, ये 100 के नज़दीक है, 100 से कितना ज़्यादा, 16 ज़्यादा है, तो यहाँ कर देंगे +16, इस 16 का स्क्वायर कितना होता है, 16 का स्क्वायर होता है अपने पास में 256, 256, 116 और ये प्लस का 16, 132, ये अपने पास में 132। लेकिन यहाँ पर अपने को 2 अंक रखने हैं, तो इस 2 को आगे ट्रांसफर कर देंगे तो देखना इधर, ये 6, ये 5, इस 2 को आगे भेजेंगे, इसमें जुड़ जाएगा 2, 2 + 2 कितना होगा, ये 4, ये 3 और ये 1,
13456 ये होगा 16 का 116 का स्क्वायर, सही है। उसी प्रकार से देखना 79 का स्क्वायर, ये 100 के नज़दीक है, 100 से कितना कम है, 100 से 21 कम है, सही है। 21 का स्क्वायर कितना होता है, ये अपने पास में होता है 441, सही है। 79 माइनस 21 कितना होगा अपने पास में, 78 68 58, ये बचेगा 58। अब यहाँ पर अपने को दो अंक रखने हैं, 4 को आगे भेज देंगे, तो देखना इधर ये 1 ये 4, 4 को आगे भेजेंगे तो 8 और 4 12, 12 का 2 80 लिख जाएगा, 5 में जुड़ेगा 1, 5 और 1 6, ये होगा 6241, सही है। इस प्रकार अपन क्या कर सकते हैं, इन सभी संख्याओं का जो अपने पास में स्क्वायर है उसका स्क्वायर अपन ज्ञात कर सकते हैं, सही है। तो आप इनको क्या करो, अपने कॉपी में नोट करो, फिर कुछ और संख्या अपने पास में है उन संख्याओं का स्क्वायर भी अपन क्या करते हैं ज्ञात करके देखते हैं। आगे आगे अपने पास में कुछ एग्जाम्पल और हैं, इनके भी अपने को क्या करने हैं, स्क्वायर ज्ञात करने हैं, सही है। तो सबसे पहले 123 का स्क्वायर, ये अपने को ज्ञात करना है। तो जो 123 है वो अपने पास 100 के आसपास है, सही है। ये 100 से कितना ज़्यादा है, 100 से ज़्यादा है 23 ज़्यादा, तो यहाँ लिखेंगे प्लस 23, सही है। 23 का स्क्वायर कितना होता है अपने पास में, 23 का स्क्वायर अपने पास में होता है 529, सही है। आगे अपने पास में 123 इसमें जोड़ेंगे 23, कितना होगा 146 होगा, ये अपने पास में होगा 146। अब ये 100 के आसपास है तो यहाँ पर अपन दो अंक रखेंगे, इस 5 को आगे ट्रांसफ़र कर देंगे, तो देखना ये 9 ये 2, 5 आगे जाएगा तो 6 और 5 11 का 1, हासिल 1, 4 और 1 5, और ये अपने पास में 1, 15 129, सही है। ये 29, 5 आगे जाएगा 6 और 5 11 का 1, हासिल 1, 4 और 1 5, और ये अपने पास में 1, 15129, ये होगा 123 का स्क्वायर, सही है। आगे अपने पास में 71 का स्क्वायर, 71 का स्क्वायर कितना होगा, ये अपने पास में 71 71 है, ये किसके आसपास है, ये 50 के ज़्यादा नज़दीक है, 100 की बजाय 50 के ज़्यादा नज़दीक है, तो ये अपने पास में 50 के नज़दीक है, 50 से कितना ज़्यादा है, ये 50 से ज़्यादा है 21, तो यहाँ कर देंगे प्लस 21। 21 का स्क्वायर कितना होता है, ये अपने पास में होता है 441, 21 का स्क्वायर होता है 441, सही है। अब यहाँ पे देखना, अगर 50 अपन लेके चल रहे हैं तो 50 का आधा कितना होता है, 50 का आधा 25, 25 में जोड़ेंगे 21, सही है। 50 में 21 ना जोड़ के 50 का आधा 25, 25 में जोड़ेंगे 21, 25 प्लस 21 कितना होता है, 25 में 21 जोड़ेंगे तो अपने पास में 35 45, और ये 46, ये बनेगा 46, सही है। अब यहाँ पे अपने को दो अंक रखने हैं, तो देखना अपने पास में क्या होगा, ये 1 ये 4, 6 और 4 10 10 का 0, हासिल 1, 4 और 1 5, 5041, ये अपने पास में होगा 71 का स्क्वायर, सही है। उसके बाद में 48 का स्क्वायर, 48 किसके पास में है, 50 के पास में, 50 से कितना कम है, ये 50 से 2 कम है तो 2 माइनस, सही है। अब इसका स्क्वायर करेंगे, माइनस 2 का स्क्वायर होगा 4, यहाँ पर रखेंगे 2 अंक 0 4, सही है। अब ये 50 के नज़दीक है तो 50 का आधा 25, 25 में से कम करेंगे 2, सही है। 25 में से 2 कम करेंगे तो कितना बचेगा, 25 माइनस 2 बचेगा 23, ये बचेगा 2304, सही है। आगे 37 का स्क्वायर याद करना है, तो 37 50 के आसपास है, 50 से 13 कम है तो 13, माइनस का 13, माइनस का 13 का स्क्वायर कितना होता है, 13 का स्क्वायर होता है 169, सही है। ये 50 के नज़दीक है तो 50 का आधा 25, 25 में से माइनस करेंगे 13, 25 माइनस 13 कितना होता है 12, ये होता है 12। अब यहाँ पे अपने को दो अंक रखने हैं, तो 1 को आगे ट्रांसफ़र कर देंगे, तो देखना ये 9 और ये 6, 1 आगे जाएगा इस 2 में जुड़ जाएगा, 2 रे कितना हो गया, ये 3 और ये 1, 1369, ये हो गया 37 का स्क्वायर, सही है। उसी प्रकार से 58 का स्क्वायर है, इसमें देखना ये 50 के नज़दीक है, 50 से कितना ज़्यादा है, 50 से 8 ज़्यादा है, 8 प्लस, सही है। अब इस 8 का स्क्वायर ये कितना होता है, ये होता है 64, सही है। अब ये 50 के नज़दीक है, 50 का आधा 25,
25 में जोड़ेंगे 8, 25 और 8 ये अपने पास में हो गया 33, 3364, 25 और 8 होता है 33, सही है। तो 3364 अपना क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। आगे अपने पास में है 1001, देखना इधर। अब 1001 ये तो हज़ार के नज़दीक है, हज़ार के नज़दीक है, हज़ार से कितना ज़्यादा है, हज़ार से ज़्यादा है एक, एक ज़्यादा है हज़ार से, सही है। तो एक का स्क्वायर कितना, एक। अगर ये हज़ार के नज़दीक है तो यहाँ पर अपन इसके स्क्वायर में तीन अंक लिखेंगे, तीन अंक इधर जीरो लगा दिए, इधर जीरो लगा दिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तीन अंक हो गए। पहले अपन दो दो अंक लिख रहे थे, अब की बार कितने अंक लिखेंगे, तीन अंक लिखेंगे, ये तीन अंक हो गए। अब 1001 प्लस एक कितना हो गया, ये हो गया 1002, सही है। अब देखना इसको क्या लिख सकते हैं, ये अपने पास में 1002001, ये अपने पास में हो गया 1001 का स्क्वायर, सही है। आगे अपने पास में 1996 का स्क्वायर देखना, ये हज़ार के नज़दीक है, हज़ार से कम है चार, चार कम है, तो चार का स्क्वायर कितना, चार का स्क्वायर 16, हज़ार के नज़दीक है तो यहाँ तीन अंक लेंगे, आगे जीरो लगा दे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जीरो 16, सही है। अब यहाँ से देखना, 196 माइनस का चार, 996 माइनस का चार, ये होगा 992, 992, सही है। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 9, 9, ये अपने पास में 2 0 1 और ये 6, ये अपने पास में हो जाएगा 996 का स्क्वायर, सही है। इस प्रकार अपन क्या कर सकते हैं, इन सभी संख्याओं का स्क्वायर याद कर सकते हैं, सही है। तो आप इनको अपनी कॉपी में नोट करो, फिर कुछ संख्याएं और हैं उनके भी अपन क्या करते हैं, स्क्वायर याद करके देखते हैं। तो आप इनको क्या करो, अपनी कॉपी में नोट करो। आगे आगे अपने पास में कुछ संख्याएं और हैं, इनके अपने को स्क्वायर याद करना है, सही है। जैसे 204 का स्क्वायर याद करना है, सही है। तो 204 का स्क्वायर याद करने के लिए कैसे, आगे आगे अपने पास में है 204 का स्क्वायर, ये अपने को चेक करना है, सही है। तो देखना ये अपने पास में 200 के नज़दीक है, सही है। तो यहाँ से देखना अपने पास में 200 से कितना ज़्यादा है, ये 200 से चार ज़्यादा है, तो यहाँ पर लिखेंगे अपन चार ज़्यादा, यानी प्लस का चार, सही है। 200 से चार ज़्यादा है तो प्लस का चार, चार का स्क्वायर कितना होता है, इस चार का स्क्वायर यहाँ लिखेंगे 16, 16, सही है। अब 204 इसमें जोड़ेंगे चार, 204 प्लस चार कितना होगा, ये होगा 208, सही है। ये 200 के नज़दीक है तो इसको गुणा कर देंगे 2 से, इस वाली संख्या को 2 से गुणा कर देंगे, 200 के नज़दीक है तो 2 से गुणा कर देंगे, देखना कितना होगा, इसको 2 से गुणा करेंगे, ये 2 अंटे 16 और ये 4, 416 और ये अपने पास में इधर 16, कितना हो जाएगा, ये 1 4 1 6 1 6, सही है। ये अपने पास में हो जाएगा 41616, 204 का स्क्वायर, सही है। उसी प्रकार से देखना 396 का स्क्वायर याद करना है, 396 है ये 400 के आसपास है, तो देखना ये 400 से कितना कम है, ये 400 से चार कम है, चार कम, तो यहाँ पर चार का स्क्वायर, चार का स्क्वायर 16, सही है। अब 396 में से माइनस करेंगे चार, कितना होगा, ये अपने पास में होगा 392, 396 माइनस का चार 392, सही है। अब ये 3 400 के आसपास है, 400 के आसपास है तो इसको गुणा करेंगे चार से, ये 200 के आसपास था इसको 2 से गुणा कर दिया था, ये 400 के आसपास है यहाँ पर इसको चार से गुणा करेंगे, तो देखना चार से गुणा करने पर 4 2 8, 4 9 36, 4 3 12 और 3 15, 1568, इधर ही अपने पास में 16, कितना बन जाएगा ये 1568 16, ये अपने पास में होगा 396 का स्क्वायर। आगे अपने पास में है 601 का स्क्वायर, ये 600 के आसपास है, 600 से कितना ज़्यादा है, एक ज़्यादा है, तो ये प्लस का एक, सही है। अब देखना अपने पास में इस एक का स्क्वायर, इस एक का स्क्वायर कितना होगा, ये एक, दो अंक रखेंगे यहाँ तो ये हो जाएगा 01, 01 हो गया। इसके अलावा 601 प्लस एक ये कितना हो गया 602, ये अपने पास में हो गया 602,
ये 600 के आसपास है, तो यहाँ पर इसको 6 से गुणा करेंगे, 6 से। ये 400 के आसपास था तो यहाँ 4 से गुणा, ये 200 के आसपास था यहाँ पर 2 से गुणा, सही है, तो इसको गुणा कर देंगे 6 से। तो देखना कितना होगा, 6 को 2 से गुणा करेंगे, 6 दूनी 12, 0 का 1, छम छम ये अपने पास में 36, ये अपने पास में होगा 6 दूनी 12, 6 को 6 से गुणा करेंगे 36, 3612 होगा, 3612, इधर अपने पास में 01, इसको क्या लिखेंगे, 3 6 1 2 0 1, ये अपने पास में होगा 601 का स्क्वायर, सही है। इस प्रकार अपन इन संख्याओं का भी क्या कर सकते हैं, स्क्वायर ज्ञात कर सकते हैं, सही है। तो आप इनको क्या करूँ, अपनी कॉपी में नोट करूँ। फिर अपने पास में कुछ संख्याओं के वर्गमूल है, वो वर्गमूल अपन क्या करते हैं, ज्ञात करते हैं। तो आप इसको क्या करूँ, अपनी कॉपी में नोट करूँ। आगे आगे अपन बात करते हैं अपने पास में वर्गमूल की, सही है। तो इन संख्याओं का अपने को क्या करना है, वर्गमूल ज्ञात करना है। इन संख्याओं का वर्गमूल ज्ञात करने के लिए अपने पास में एक ट्रिक होगी, उस ट्रिक का यूज करके अपन क्या कर देंगे, इनका वर्गमूल ज्ञात कर देंगे, सही है। तो देखना, सबसे पहले 1 से लेकर 9 तक के स्क्वायर अपने को पता होने चाहिए, सही है। 1 से 10 तक के स्क्वायर अपने पास में, जो 1 का स्क्वायर होता है, 1 का स्क्वायर ये अपने पास में होता है 1, 2 का स्क्वायर ये अपने पास में होता है 4, 3 का स्क्वायर ये अपने पास में होता है 9, 4 का स्क्वायर ये अपने पास में होता है 16, 5 का स्क्वायर ये अपने पास में होता है 25, 5 का स्क्वायर ये होता है 25, 6 का स्क्वायर ये अपने पास में होता है 36, 7 का स्क्वायर ये अपने पास में होता है 49, 8 का स्क्वायर ये अपने पास में होता है 64, 9 का स्क्वायर ये अपने पास में होता है 81, और 10 का स्क्वायर ये अपने पास में होता है 100, सही है। देखना अपने पास में जो 1 का स्क्वायर है उसके अंत में कितना आ रहा है, उसके अंत में आ रहा है 1, सही। ये अपने पास में 2 का स्क्वायर है, इस 2 के स्क्वायर के अंत में कितना आ रहा है, ये आ रहा है 4, सही है। 3 का स्क्वायर, जो 3 का स्क्वायर है उसके अंत में कितना रहा है 9, वैसे ही 4 का स्क्वायर उसके अंत में कितना रहा है, अंत में आ रहा है 6, 4 के स्क्वायर के अंत में कितना रहा है 4 है, वैसे ही 5 का स्क्वायर है उसके अंत में कितना रहा है 5 आ रहा है, 6 का स्क्वायर है उसके अंत में कितना रहा है, उसके अंत में आ रहा है 6, वैसे ही अपने पास में जो 7 का स्क्वायर है उसके अंत में आ रहा है 9, जो 8 का स्क्वायर है उसके अंत में आ रहा है 4, और ये अपने पास में जो 9 का स्क्वायर है उसके अंत में कितना रहा है 1, ये आ रहा है अपने पास में 1 से लेकर 9 तक के स्क्वायर में, सही है। तो देखना, एक तो 1 के स्क्वायर के अंत में 1 आ रहा है और 1 9 के स्क्वायर के अंत में 1 आ रहा है, सही है। 1 के और 9 के स्क्वायर के अंत में कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, इन दोनों के अंत में 1 आ रहा है। 2 के स्क्वायर के अंत में 4 आ रहा है और 8 के स्क्वायर के अंत में भी 4 आ रहा है, यानी इन दोनों के स्क्वायर के अंत में कितना आ रहा है, 4 आ रहा है, सही है। 3 के स्क्वायर के अंत में 9 आ रहा है और 7 के स्क्वायर के अंत में भी 9 आ रहा है, इन दोनों के स्क्वायर के अंत में कितना आ रहा है, 9 आ रहा है। 4 के स्क्वायर के अंत में 6 आ रहा है और 6 के स्क्वायर के अंत में भी 6 आ रहा है, इन दोनों के अंत में कितना आ रहा है, 6 आ रहा है, और 5 के स्क्वायर के अंत में कितना आ रहा है, 5 आ रहा है, सही है। ये ट्रिक अपने को पता होनी चाहिए, ये पता होगा तो इनके अपन वर्गमूल ज्ञात कर लेंगे, सही है। सबसे पहले अपने को 9801 का वर्गमूल ज्ञात करना है। तो 9801 का वर्गमूल ज्ञात करने के लिए पीछे से अपन 2 अंक छोड़ेंगे, पीछे से 2 अंक, कौन से 2 अंक, पीछे से 1 और 1 2, ये 2 अंक छोड़ के ये लाइन खींचेंगे इसे, सही है। 2 अंक छोड़ के लाइन खींचेंगे, देखना अब क्या होगा, इधर कितना आ रहा है, इधर आ रहा है अपने पास में 1 0 और 1 का मतलब कितना हो गया, 1 हो गया। अब 1 किस किस के स्क्वायर के अंत में आता है, 1 अपने पास में, 1 तो 1 के स्क्वायर के अंत में आता है और 1 9 के स्क्वायर के अंत में आता है, सही है। 1 किस किस के स्क्वायर के अंत में आता है, 1 तो 1 के स्क्वायर के अंत में आता है, 1 9 के स्क्वायर के अंत में आता है, वो ठगियाँ रख देंगे कि जो 1 है वो या तो 1 के स्क्वायर के अंत में या फिर 9 के स्क्वायर के अंत में 1 आता है, सही है। अब देखना अपने पास में, ये अपने पास में है 98, 98 किसके स्क्वायर, किसका स्क्वायर है, अपने पास में 9 का स्क्वायर होता है 81, 10 का स्क्वायर होता है 100, तो 100 ज़्यादा हो जाएगा, 9 का स्क्वायर 81 इसके लिए सही रहेगा, क्योंकि 10 का स्क्वायर लेंगे
तो 10 का स्क्वायर 100, 100 हो जाएगा 98 से ज़्यादा, 9 का स्क्वायर 81 वो इससे कम रहेगा, तो यहाँ पर लेंगे 9 का स्क्वायर, यानी कि यहाँ रखेंगे 9, सही है। अगर 10 लिखेंगे तो 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा जो 98 से ज़्यादा हो जाएगा, तो अपन 9 का स्क्वायर लेंगे, 9 का स्क्वायर कितना होता है 81, 81 यानी कि यहाँ आ गया 9। अब जो 9801 है, 9801 है, इसका जो वर्गमूल होगा वो या तो 9 और 1 91 होगा या फिर 9 और 9 99 होगा, सही है, या तो इसके साथ 1 ऐड होगा या इसके साथ 9 होगा। अब देखना क्या होगा, ये 9 है, यहाँ पर ये 9 यहाँ लिखेंगे, इसका अगला अंक कौन सा है, अगला अंक होता है 9 के अगला 10, 9 अगला अंक इसका 10, 9 दे कितना हो गया 90, ये हो गया 90। अब जो 90 है वो इस 98 से कम है, ये जो 90 है ये इस 98 से कम है, अगर ये 90 98 से कम है तो अपन ज़्यादा वाला अंक लेंगे, बड़ा वाला अंक लेंगे, इनमें से कौन सा अंक लेंगे, बड़ा वाला अंक लेंगे, बड़ा वाला अंक कौन सा है 9, तो इधर तो ये 9, इसमें से लेंगे बड़ा वाला अंक ये 9, ये होगा 99, 9801 का वर्गमूल होगा 99, सही है। उसी प्रकार से ये वाला एग्जाम्पल देखना, इसका अपने को वर्गमूल याद करना है, पीछे से दो अंक छोड़ेंगे, पीछे से दो अंक एक और एक दो, ये दो अंक छोड़ के ये लगा देंगे लाइन से, सही है। अब इधर है 25, 25 अपने पास में किसका स्क्वायर है, ये अपने पास में है 5 का स्क्वायर, सही है, 5 का स्क्वायर है, ये अपने पास में है 5 का स्क्वायर, ये 5, सही है। अब देखना 156, 156 किसके स्क्वायर में आता है, 12 का स्क्वायर 144, 13 का स्क्वायर 169, तो 169 ज़्यादा हो जाएगा, 12 का स्क्वायर 156 से कम होगा, तो 12 का स्क्वायर यहाँ लिखेंगे 12, 12 का स्क्वायर होता है 144, तो यहाँ लिखेंगे 12, सही है। तो ये वर्गमूल कितना हो गया यहाँ से, ये अपने पास में 1 और ये 2 12 और ये 5, 125 का स्क्वायर हो गया अपने पास में, इसका वर्गमूल हो गया अपने पास में 125, सही है, 5 के और 5 के स्क्वायर में आता है तो अपने पास में एक अंक आ गया 5, सही। उसी प्रकार से ये वाला एग्जाम्पल देखना, पीछे से दो अंक छोड़ेंगे, ये दो अंक छोड़ दिए, 11 16, 16 अपने पास में कितना रहा है यहाँ पर, यह अपने पास में आ रहा है 6, 6 किस किस के स्क्वायर के अंत में आता है, 6 आता है एक तो 4 के स्क्वायर के अंत में और एक आता है 6 के स्क्वायर के अंत में, इधर ये 6 है लास्ट में, ये जो 6 है ये 4 के स्क्वायर के अंत में आता है या 6 के स्क्वायर के अंत में आता है, तो यहाँ पर 4 या 6, सही है। 108, 10 का स्क्वायर 100, 11 का स्क्वायर 121, तो 10 का स्क्वायर सही रहेगा, 11 का स्क्वायर तो क्या हो जाएगा 108 से ज़्यादा हो जाएगा, तो 10 का स्क्वायर यहाँ लिखेंगे 10। अब इन दोनों में से कौन सा अंक लेना है उसको चेक करना है, तो ये 10, इसका अगला अंक 11, 10 को 11 से गुणा करेंगे ये हो जाएगा 110, सही है। अब ये 110 है ये क्या है, इससे ज़्यादा है, 110 है वो 108 से ज़्यादा है, अगर ये ज़्यादा है तो कम वाला अंक लेंगे इनमें से, इनमें से कम वाला अंक कौन सा है, कम वाला अंक है 4, तो इन दोनों में से 4 को लेंगे, तो ये 10, इन दोनों में से कम कौन सा है, कम है 4, तो 4 को लेंगे ये हो जाएगा 104। 10816 का जो वर्गमूल होगा वो होगा 104, सही है। आगे अपने पास में है, इसका अपने को वर्गमूल याद करना है, पीछे से अपन दो अंक छोड़ेंगे, पीछे से एक और एक दो, ये दो अंक छोड़ेंगे, सही है। अब इधर आ रहा है लास्ट में 9, अब 9 किस किस के स्क्वायर में आता है, 9 अपने पास में आता है 3 के स्क्वायर में और 7 के स्क्वायर के अंत में, सही है, 9 आता है 3 के स्क्वायर के अंत में और 7 के स्क्वायर के अंत में, तो यहाँ अपन लिखेंगे 3 के स्क्वायर में और ये 7 के स्क्वायर के अंत में, सही है। इधर अपने पास में है 136, 136 किसका स्क्वायर होगा, ये अपने पास में होगा 11 का स्क्वायर 121, 12 का स्क्वायर 144, इन दोनों के बीच में होगा, तो 12 का स्क्वायर ज़्यादा हो जाएगा 136 से, तो ये हो जाएगा 11 का स्क्वायर, 11 का स्क्वायर कितना होगा 121, ये हो गया 11, सही है। अब इन दोनों में से कौन सा अंक लेना है वो अपने को चेक करना है, तो ये 11, 11 के अंक अगला अंक कौन सा होता है, ये होता है 12, तो 11 गुणा 12 कितना हो गया 120, और ये अपने पास में हो गया 132। अब जो 132 है वो इस 136 से कम है, 132 है वो 136 से कम है, कम है तो इन दोनों में से बड़ा वाला अंक लेंगे, इन दोनों में से बड़ा वाला अंक कौन सा है 7, 7 को लेंगे, तो कितना हो जाएगा 1, 1, इन दोनों में से लेंगे 7 को, हो जाएगा 117। तो अपने पास में 13689 का जो वर्गमूल होगा
वो होगा 117, सही है। इस प्रकार अपन क्या कर सकते हैं, इन सभी संख्याओं के वर्गमूल ज्ञात कर सकते हैं, सही है। अपने पास में कुछ एग्जाम्पल और हैं, उनको भी अपन करके देखते हैं। तो पहले आप इनको क्या करो, अपनी कॉपी में नोट करो। आगे आगे अपने पास में कुछ संख्याएं और हैं, इनका भी अपने को क्या करना है, वर्गमूल ज्ञात करना है, सही है। तो अपने पास में इस संख्या का वर्गमूल ज्ञात करना है, तो सबसे पहले पीछे से दो अंक छोड़ेंगे, पीछे से दो अंक, एक और एक दो, ये दो अंक छोड़ के लाएँ, सही है। इधर अपने पास में है 29, लास्ट में कितना है 9, 9 किस किस के स्क्वायर के अंत में आता है, एक तो 3 के स्क्वायर के अंत में आता है और एक 7 के स्क्वायर के अंत में आता है, सही है। 3 के स्क्वायर के अंत में, एक से 9 तक की संख्याओं की बात करेंगे, तो जो 9 है वो 3 के स्क्वायर के अंत में और 7 के स्क्वायर के अंत में, सही है। इधर अपने पास में है 151, 151 किस संख्या का वर्ग है, 12 का स्क्वायर 144, 13 का स्क्वायर 169, 169 ज़्यादा हो जाएगा तो 12 का स्क्वायर 144, तो इधर अपने पास में होगा 12, सही है। तो इस संख्या का वर्गमूल या तो 123 होगा या 127 होगा, अब चेक करते हैं कौन सा होगा। ये अपने पास में यहाँ कितना है 12, ये 12, इसके अगला अंक कौन सा होता है 13, तो 12 गुना 13 कितना हो गया, 12 गुना 13 13 दुना 26, 26 का 6, 13 एकम 13, 13 और 2 15, 156, सही है। अब 156 क्या हो गया, इससे ज़्यादा हो गया, ज़्यादा हो गया तो कह लेंगे छोटा वाला अंक लेंगे, छोटा वाला अंक कौन सा है, यह है इन दोनों में से छोटा कौन सा है, 3, तो इसका वर्गमूल कितना हो जाएगा, ये अपने पास में जाएगा 1 2, इनमें से लेंगे 3, इसका वर्गमूल हो जाएगा 123, सही है। उसी प्रकार से अपने पास में अगला अंक यह है, इसका अपने को वर्गमूल याद करना है, तो पीछे से दो अंक छोड़ेंगे, पीछे से दो अंक, पहला और दूसरा, ये दो अंक छोड़ देंगे। इधर आ रहा है लास्ट में 9, 9 किस किस के स्क्वायर के अंत में आता है, 3 के स्क्वायर के अंत में और 7 के स्क्वायर के अंत में, ये 3 के स्क्वायर के अंत में और 7 के स्क्वायर के अंत में 9 आता है, सही है। इधर अपने पास में है 114, 10 का स्क्वायर 100 होता है, 11 का स्क्वायर 121 होता है, तो 121 तो ज़्यादा हो जाएगा, तो 10 का स्क्वायर 100 यहाँ लेके चलेंगे 10। अब अपने पास में इस संख्या का जो वर्गमूल होगा वो या तो 103 होगा या 107 होगा, अब चेक करते हैं कौन सा होगा। ये अपने पास में 10, इसके अगला अंक कौन सा होता है 11, 10 गुना 11 कितना हो गया, ये हो गया 110। अब 110 है वो अपने पास में 114 से कम है, ये वाली संख्या इस संख्या से कम है, कम है तो बड़ा वाला अंक लेंगे, इन दोनों में से बड़ा वाला अंक कौन सा है 7, तो 7 लेंगे, तो ये 10 इन दोनों में से लेंगे 7, ये 7, 107, ये हो जाएगा अपने पास में 11449 का वर्गमूल 107, सही है। वैसे ही अपने पास में एग्जाम्पल ये है 7921, इसका वर्गमूल याद करना है, तो पीछे से दो अंक छोड़ेंगे, एक एक दो, ये दो अंक छोड़ेंगे, दो अंक छोड़ने के बाद में देखना इधर आ रहा है लास्ट में 1, तो 1 के स्क्वायर के अंत में 1 आता है और एक 9 के स्क्वायर के अंत में 1 आता है, 1 के स्क्वायर के अंत में 1 और 9 के स्क्वायर के अंत में 1। इधर से अपने पास में है 79, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81, 81 ज़्यादा हो जाएगा तो 8 का स्क्वायर 64, तो यहाँ पर अपने पास में होगा 8। अब या तो इसका वर्गमूल अपने पास में 81 होगा या फिर 89 होगा, चेक करते हैं कौन सा होगा। तो देखना इधर ये 8, 8 के अगला अंक कौन सा, अगला अंक होता है 9, 8 नाम 72, ये हो गया 72, सही है। अब जो 72 है वो इस 79 से कम है, 72 क्या है, 79 से कम है, ये अगर अंक कम है तो बड़ा वाला अंक लेके चलेंगे, सही है। ये वाली संख्या इससे कम है तो इनमें से बड़ा वाला अंक लेंगे, बड़ा वाला अंक कौन सा है, यह है 9, तो ये अपने पास में 8, इन दोनों में से बड़ा अंक कौन सा है 9, तो 9 लेंगे, ये हो जाएगा 89, 89 हो जाएगा किसका, 7991 का रूट कितना होगा, ये होगा 89, सही है। आगे अपने पास में यह है 16900, इधर पीछे से दो अंक छोड़ेंगे, एक एक दो, सही है। इधर अपने पास में है 0, तो 0 किसका स्क्वायर होता है, 0 का स्क्वायर ही होता है, तो ये अपने पास में 0। इधर अपने पास में है 169, 169 12 का स्क्वायर 144, 13 का स्क्वायर 169, ये 13 का स्क्वायर है, 13 का स्क्वायर 169, ये अपने पास में हो गया 13, तो सीधे सीधे कितना हो गया ये 13 और ये 0, 130। 16900 का जो अपने पास में वर्गमूल होगा वो होगा अपने पास में 130, सही है। इस प्रकार अपन अलग अलग संख्याओं का क्या कर सकते हैं, वर्गमूल ज्ञात कर सकते हैं, सही है।
तो आप इसको क्या करो, अपनी कॉपी में नोट करो। सही है, तो आपने इसको नोट कर लिया होगा। चलो आज के लिए इतना ही। आप चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों को इसके बारे में बताइए, ताकि जो भी विद्यार्थी, जो रिट प्री एग्ज़ाम है जो जनवरी में होना है, अगर कोई विद्यार्थी उसकी तैयारी कर रहा है तो वो इन क्लासों को देखें, प्रॉपर अपने नोट्स बनाएं। तो चलो आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं कल की क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।